नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। ग्राम गणेशपुरा पहुंचकर कांग्रेस नेता प्रकाश जैन रांका ने मरकट और शमशान से जुड़ी समस्याओं का किया अवलोकन। जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी नीमच की विधानसभा क्षेत्र जावद के प्रकाश जैन रांका ने आज ग्राम पंचायत समेल के ग्राम गणेशपुरा में ग्रामीणों के आह्वान पर मौके पर पहुंचकर मरकट और शमशान घाट से जुड़ी समस्या का अवलोकन किया। बड़ी विडंबना की बात है कि विकास का वादा करने वाले भाजपा सरकार जावद विधानसभा क्षेत्र में अंतिम अंत्येष्टि हेतु साफ स्वच्छ शमशान घाट भी नहीं बना पाई। शमशान घाट और मरघट यदि साथ साथ हो, यहाँ पर किसी प्रकार की बाउंड्री ना हो, जरा सोचिए कि एक तरफ सड़ता पशु का कंकाल हो और दूसरी तरफ जलती चिता और उस शव यात्रा में आए हुए लोग एक गहरे दुख में रहते हैं। उस विकट घड़ी में किस भांति शव यात्री बदबूदार वातावरण में रहते होंगे, उन लोगों को कितनी तकलीफ होती होगी। विधानसभा क्षेत्र के कई ऐसे गाँव हैं जहाँ दाह संस्कार के लिए नदी नालों को पार करना पड़ता है। जलाने से पहले जगह चिन्हित नहीं होने की वजह से जमीन को साफ करना पड़ता है, मगर सत्ता के नशे में चूर भाजपा सरकार को यह सब कुछ दिखाई नहीं देता है। ग्रामीण बार बार निवेदन करते हैं, मगर उनकी मांग वर्षों से लंबित है, जिस पर किसी प्रकार की कोई एक्शन नहीं ली जा रही है। क्या है जावद विधानसभा क्षेत्र के यह ग्रामीण जावद विधानसभा के नागरिक नहीं है? अगर हैं तो इन ग्रामीणों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? भाजपा सरकार अगर क्षेत्र में शमशान भी नहीं बना सकती है तो ऐसे अमानवीय सरकार को विकास के झूठे वादे नहीं करने चाहिए। आप वस्तु स्थिति देख सकते हैं। वी टाइम न्यूज के लिए जावद से सौरभ तिवारी की रिपोर्ट।